कमिटी ने निर्णय लिया है कि जो 30 साल लगातार जो पार्टी और खास तौर पर सुशासन बाबू जिन पर मेरा सबसे बड़ा सवाल 6 महीने का तनख्वाह देकर और प्लेन का टिकट देकर लगभग मजदूरों को यहां से लोग ले जा रहे, जो पैदल आए और एक आदमी को उन्होंने रोजगार नहीं दिया, एक आदमी को लगातार चुनाव का नंगा खेल खेलती रही है सरकार। प्राइवेट टीचर हो या कलाकार, राजस्थान के तहत मनरेगा का, राजस्थान में प्राइवेट टीचरों को मनरेगा की में काम दे दिया गया, लेकिन बिहार सरकार ने प्राइवेट टीचर या ऐसी संस्था को एक भी बेनिफिट नहीं पहुंचाया। इस सरकार के खिलाफ 100% आक्रोश है इस बिहार की जनता के भीतर। यह सरकार को बदलना चाहती है और सर्वे में साफ आई थर्ड फ्रंट नहीं जन अधिकार पार्टी इस सरकार की सबसे बड़ी असली प्रतिद्वंदी, कोई थर्ड फ्रंट नहीं। बिहार की जनता ने मान लिया कि असली प्रतिद्वंदी और वह जिम्मेदारी हमें एहसास हुआ तो कोर कमिटी ने बिहार में लगभग 150 सीट चयनित करके अपने उम्मीदवारों को इंटरनल चुनाव लड़ने की तैयारी करने की इजाजत दे दी। 150 सीटों जो रेस्ट सीट है उस सीटों पर हम गठबंधन करेंगे जो बिहार में हटाने की तैयारी में है, लेकिन 150 सीटों पर लगभग 40 लाख सदस्यता हमारी बनके आ गई। बूथ कमिटी लगभग 40 विधानसभा पर कंप्लीट हो गई। पटना जिले के सभी विधानसभा पर चुनाव लड़े, पटना जिले नगर महानगर खासतौर पर सभी, पटना की जनता 40 सालों के बीजेपी के सुशासन से तबाह हो चुकी है, नर्क में जी रही। दोनों एमपी बीजेपी लगातार 30 सालों से नगर मंत्री वही लोग, मेयर वही लोग, नगर पालिका वही लोग। हमारी लड़ाई पटना के सभी सीटों पर बीजेपी और 15 साल पूर्व की सरकार से आर पार हो, कंप्लीट आर पार, कंप्लीट, और कोई कंप्रोमाइज इस सीट पर नहीं होगा। पटना के सीटों पर पटना को हम नंबर वन देश का, एशिया का नंबर वन पटना देखे बनाएंगे, दुनिया देख रहे हैं कि पटना। और 3 साल के अंदर, 30 साल बनाओ 3 साल, 30 साल बनाओ 3 साल, और नीतीश कुमार जी को 5 साल के सुशासन के लिए चुनौती देंगे।